गाइस राजस्थान के सबसे बड़े सवाई मानसिंह हॉस्पिटल ने फिर से एक नया इतिहास रचा है। गाइस एसओएमएस हॉस्पिटल के न्यूरोसर्जरी विभाग में भर्ती एक मरीज की ऑडिटरी ब्रेन स्ट्रेन इम्प्लांट का सक्सेसफुली ऑपरेशन किया गया है। जी हां गाइस ये ऑपरेशन राजस्थान और देश के किसी भी सरकारी चिकित्सा शिक्षण संस्थान में पहली बार किया गया है। गाइस डॉक्टरों के मुताबिक ऑडिटरी ब्रेन स्ट्रेन इम्प्लांट एक आधुनिक विद्युतीय उपकरण है। इसको कान के पीछे की हड्डियों से होते हुए दिमाग के पीछे हिस्से में स्थापित किया जाता है। ये उन मरीजों के लगाया जाता है जिन्हें सुनाई नहीं देता, जिनके कान के आंतरिक अंग काम नहीं कर पाते। ये जयपुर में हुआ ऑपरेशन 6 घंटे तक चला, अंत में सफल रहा। एसओएमएस हॉस्पिटल के मुख्य डॉक्टर विनय मल्होत्रा ने डॉक्टरों को बधाई देते हुए कहा कि इस ऑपरेशन के साथ एम्स मेडिकल कॉलेज की सफलताओं के आयामों में एक नया अध्याय जुड़ गया है और हम तो यही आशा करते हैं कि इस तरह हमारा देश जल्द से जल्द हर क्षेत्र में आगे बढ़े। कई सवाल जवाब करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कोई सवाल करता ही नहीं है और जिससे सवाल करते हैं वो उत्तर नहीं देता है। तो गाइस एक सवाल है, तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर, तीतर के राइट 2 तीतर, तीतर के लेफ्ट 2 तीतर, गाइस कुल मिलाकर कितने तीतर होंगे? गिन के और कमेंट में जरूर बताएगा। और इसके सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर दिया गया है और लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाकर देखिएगा। गाइस न्यूटन के नियम को चुनौती दे रहा है भारत का एक झरना। गाइस इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए दूर दूर के लोग आते हैं। गाइस एक झरना है जो उल्टा बहता है, यानी कि उसका पानी नीचे गिरने की बजाय ऊपर आता है। जी हाँ गाइस महाराष्ट्र के नानेघाट झरने की इस जगह की सुंदरता मानसून में देखने लायक होती है, क्योंकि इसी दौरान यहाँ पर पानी ज्यादा होता है और वो उड़कर हवा में चल जाता है, जिस कारण इसे रिवर्स वाटरफॉल भी कहते हैं लोग। इस झरने को देखकर कहा जा सकता है कि ये झरना न्यूटन के नियम को खुलेआम चुनौती दे रहा है, क्योंकि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के मुताबिक कोई भी चीज ऊपर से गिरती है तो सीधी नीचे आकर गिरती है, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। ये घाट का पानी नीचे गिरने की बजाय ऊपर आता है। इस रिवर्स वाटरफॉल के बारे में आपका क्या ख्याल है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। गाइस पूरी दुनिया में कोई ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसके पास फोन हो और वो यूट्यूब नहीं चलाता हो। गाइस जिसके पास फोन होता है वो यूट्यूब जरूर चलाता है, लेकिन गाइस आपने देखा होगा कि बहुत से चैनल के सब्सक्राइब हाइड होते हैं और कई चैनल के सब्सक्राइब शो भी होते हैं, लेकिन गाइस अब ऐसा नहीं होगा कि जब चाहे जब हाइड कर दिया और जब चाहे जब सब्सक्राइब शो कर दिया, क्योंकि गाइस अब यूट्यूब की तरफ से एक अपडेट आया है जिसमें 29 जुलाई 2022 से सब्सक्राइब हाइड नहीं कर सकते। जी हाँ गाइस, और गाइस जब ऑटोमेटिकली यूट्यूब सभी चैनल के सब्सक्राइब शो कर देगा और उसे कोई भी देख सकता है। गाइस ये यूट्यूब का नया अपडेट क्या आपको पहले से पता था? अगर नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस क्या कभी आपने सोचा कि दुनिया कहाँ जाकर खत्म होती है, यानी कि दुनिया का आखिरी छोर कहाँ पर है? चलिए गाइस जानते हैं। गाइस दुनिया का आखिरी छोर यूरोपियन देश नॉर्वे में एक ऐसी सड़क है जिसे दुनिया की आखिरी सड़क मानी जाती है और कहा जाता है कि ये सड़क दुनिया की आखिरी सड़क है, पर जिसको खत्म होने के बाद सिर्फ समुद्र और ग्लेशियर के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आता है। गाइस इस सड़क को इस 69 हाईवे के नाम से जाना जाता है। गाइस क्या कभी आपने इस सड़क के बारे में सुना है? अगर सुना है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। गाइस का आपको बता कि रिसेंटली अभी अक्षय कुमार की सम्राट पृथ्वीराज फिल्म आई थी, जो 200 करोड़ के बजट में बनी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज फ्लॉप होने के बाद मेकर्स ने अक्षय कुमार को दोषी ठहराया है और फिल्म के डायरेक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने भी कहा कि अक्षय कुमार के पान मसाला ऐड को लेकर और विवाद और शिवलिंग पर दूध चढ़ाने को लेकर दिए गए बयान से दर्शक नाराज थे। मेरे को दूध देना एंड हनुमान सिंह मेरे को तेल डाल, और इसी के कारण लोगों ने उनकी फिल्म को पूरी तरह से बायकॉट कर दिया और सम्राट पृथ्वीराज फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हो गई। गाइस क्या आपने इस फिल्म को देखा है? देखा है तो हमें कमेंट सेक्शन जरूर बताएगा। और गाइस हिंदू धर्म में सुबह उठकर सूर्य को जल अर्पण करने की परंपराएं बहुत मान्य और फायदेमंद है। ये परंपरा बरसों से चली आ रही है, लेकिन इसके पीछे धार्मिक तर्क ही नहीं है बल्कि वैज्ञानिक तर्क भी है। दरअसल हम जब भी सूर्य को जलार्पण करते हैं तो पानी के बीच से आने वाली किरणें हमारी आंखों पर पड़ती हैं, तब हमारी आंखों की रोशनी अच्छी होती है। साथ ही सूर्य की रोशनी से हमारे शरीर में विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में मिलती है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है।
गाइज ये फैक्ट क्या आपको पहले से पता था? अगर नहीं पता तो कमेंट सेक्शन जरूर लिखिएगा। गाइज अगर आप इंस्टाग्राम चलाते तो सतर्क हो जाइए, नहीं तो आपका इंस्टाग्राम हैक हो सकता है। जी हाँ गाइज, दरअसल इंस्टाग्राम पर अंजलि एक्वाड नाम से एक अकाउंट है जिससे मैसेज किया जा रहा है। अंजलि एक्वाड इंडियन आइडल की सिंगर है जिसके अकाउंट से मैसेज किया जा रहा है। इस मैसेज में आपके इंस्टाग्राम की ईमेल बदलने के लिए और इंस्टाग्राम के पासवर्ड और पर्सनल डिटेल पूछी जा रही है। गाइज अगर आपके पास भी ये मैसेज आए या आया है तो आप इस पर पर्सनल डिटेल और पासवर्ड शेयर मत कीजिएगा। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।